आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए हमारा क्वेश्चन है, कुछ कुल जैसे कि सेरेटोफिलेसी, सेलिकेसी और इम्प्रेटेसी की स्थिति बैंथम में हुकर के वर्गीकरण में निश्चित नहीं है। वह इन कुलों का आपस में कोई संबंध नहीं है। को बैंथम में हुकर ने एक समूह ऑर्डिनेस एनोमली में रखा, यह समूह संबंधित है। चार ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है पॉलीपेटेली, ऑप्शन बी गैमोपेटेली, ऑप्शन सी मोनोक्लेमाइडी और ऑप्शन डी है जिम्नोस्पर्म। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन ए पॉलीपेटेली को समझते हैं। पॉलीपेटेली, देखिए पॉलीपेटेली पौधों की पहचान में इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? पौधों की पहचान, पौधों की पहचान में इस्तेमाल किए जाने वाला एक वर्गीकरण समूह था। पॉलीपेटेली पौधों की पहचान में इस्तेमाल किए जाने वाला एक वर्गीकरण समूह, वर्गीकरण समूह, वर्गीकरण समूह कौन सा था? पॉलीपेटेली था। देखिए लेकिन अब इसे कृत्रिम समूह माना जाता है, लेकिन अब इसे जो है कृत्रिम समूह माना जाता है, कृत्रिम समूह, अब इसे कृत्रिम समूह माना जाता है जो कि विकासवादी इतिहास को प्रतिबिंबित नहीं करता है, क्योंकि विकासवादी इतिहास को प्रतिबिंबित नहीं करता है। और समूहीकरण समान रूपात्मक पौधों की विशेषता पर आधारित था। देखिए हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी हमारा गैमोपेटेली, देखिए गैमोपेटेली एक कृत्रिम समूह है, कैसा है? कृत्रिम समूह है, एक कृत्रिम समूह है जिसका उपयोग बैंथम और हुकर, इसका उपयोग बैंथम और हुकर, बैंथम और हुकर की वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर पौधों की पहचान में किया जाता है। वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर पौधों की पहचान के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि एक कृत्रिम प्रणाली है। ठीक है, तो देखिए इस प्रणाली के तहत गैमोपेटेली एक उपवर्ग है, इस प्रणाली के तहत गैमोपेटेली जो है एक उपवर्ग है और इसमें शामिल है जैसे कि अलग कैलेक्स हो गया, कोरोला वाले फूल हो गए, कैलेक्स और कोरोला वाले फूल इसमें शामिल होते हैं। देखिए कोरोला में जो पंखुड़ियां होती है ये आपस में जुड़ी हुई होती है, यानी कि जुड़ी हुई पंखुड़ियां होती है। देखिए हमारा ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी मोनोक्लेमाइडी। देखिए मोनोक्लेमाइडी जो है ये बीज पौधों के एक प्राकृतिक वर्गीकरण, बीज पौधों के प्राकृतिक वर्गीकरण के आधार पर, प्राकृतिक वर्गीकरण, देखिए मोनोक्लेमाइडी बीज पौधों के प्राकृतिक वर्गीकरण के आधार पर और उनकी समानता के बारे में, और उनकी समानता के बारे में अनभिज्ञ बैंथम हुकर ने क्या किया था? अनभिज्ञ बैंथम और हुकर ने, बैंथम और हुकर, देखिए बैंथम और हुकर ने मोनोक्लेमाइडी समूह के तहत सेराटोफिलेसी, सेलिकेसी और एम्प्रेटेसी कुल को रखा, एम्प्रेटेसी
कुल या एम्बिट्रेसी फैमिली को इसमें लिखा रखा। देखिए हालांकि इसमें सिस्टम का दोष माना जाता है। देखिए अगर हमारा अगला ऑप्शन देखिए तो हमारा अगला ऑप्शन जो है वो है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। देखिए जिम्नोस्पर्म जिसे एक्रोजिम्नोस्पर्म के रूप में भी जाना जाता है, एक्रोजिम्नोस्पर्म, एक्रोजिम्नोस्पर्म के रूप में भी इसे जाना जाता है। देखिए ये बीज उत्पादक पौधों का एक समूह है, बीज उत्पादक पौधों का समूह, बीज उत्पादक पौधों का समूह है। देखिए इसमें कॉनिफर, साइकेड, जिंकाको और ग्रेटोफाइट शामिल है। अगर जिम्नोस्पर्म में शामिल की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में कॉनिफर, साइकेड, जिंकागो और ग्रेटोफाइट ये इसमें शामिल किए गए हैं। देखिए जिम्नोस्पर्म शब्द देखे, जिम्नोस्पर्म शब्द जो कि ग्रीक भाषा से है, ग्रीक में मिश्रित शब्द आया है जिसका अर्थ होता है नग्न बीज, जिसका अर्थ होता है नग्न बीज। यह नाम उनके बीजों की बंद स्थिति पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि कुछ कुल जैसे कि सेरेटोफिलेसी, सेलिकेसी और इम्प्रेटेसी की स्थिति बैंथम में होकर के वर्गीकरण में निश्चित नहीं है। वह इन कुलों को आपस में कोई संबंध भी नहीं है, तो इनको बैंथम में होकर ने एक समूह ऑर्डिनेस एनोमली में रखा है। तो देखिए समूह संबंधित है, तो देखिए पॉलीपेटेली और गैमोपेटेली जिम्नोस्पर्म ये तीनों में ये जो समूह है इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो देखिए मोनोक्लेमाइडी जिसमें इन समूह को रखा गया इनमें शामिल किया गया है, तो ऑप्शन सी ये हमारा आंसर हो जाएगा, मोनोक्लेमाइडी। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।